हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहीन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खिली खिली साबुदाना खिचड़ी। ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसको फास्ट के लिए भी बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैंने पाव कप भुनी हुई मूँगफली ली है और इसको हम दरदरा इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसका स्किन निकाल सकते हैं। साबुदाना को आधे घंटा पानी में भिगो लेना है। पानी पूरा निकाल लें और 3 घंटे के लिए साइड में छोड़ दें। तड़के के लिए तेल गरम कर लिया है, 1 चम्मच जीरा ऐड कर लिया है। जब जीरा बहुत अच्छे से फूट जाए तब हमने इसमें 2 से 3 चीरा लगाकर हरी मिर्ची ऐड करनी है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं, जितना आप तेज़ खाना पसंद करते हैं। करी पत्ता ऐड करना ऑप्शनल है, कुछ लोग फास्ट में पसंद करते हैं कुछ नहीं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 आलू लिया है मैंने, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। फ्लेम इस समय आपने बिल्कुल लो रखना है। इसको मिक्स कर ले और कवर करके कुक कर ले लो फ्लेम पर। अब साबुदाना जो हमने भिगोया था उसमें मैंने नमक, चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने से बहुत बैलेंस्ड फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसमें से चीनी स्किप कर सकते हैं, मिक्स करके साइड में छोड़ दें। बीच में मैंने आलू को एक बार चेक किया था, ये थोड़े से कच्चे थे, तो फिर इसको कुछ देर और कुक किया है और यहाँ देखिए ये गल गया अच्छे से। तो बस इसमें अब हमने साबुदाना ऐड कर लेना है, जिसमें मैंने चीनी, नमक और नींबू रस मिलाया था। फ्लेम लो ही रखें। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो नॉनस्टिक में भी बना सकते हैं या कोई भी कढ़ाई चलेगी। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ मूँगफली जो हमने क्रश की थी, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा धनिया और हल्का सा पानी का छींटा दे दिया है ताकि इसमें स्टीम बन जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना ये स्टिकी हो सकता है। बहुत अच्छे से मिला के इसको कवर करके 2 से 3 मिनट दम कर ले। 2 से 3 मिनट के बाद इसको एक बार मैंने खोलकर चेक कर लिया था, थोड़ा सा ये नीचे स्टिक हो रहा था तो मैंने इसको मिला लिया है। और इसमें कुछ दाने अभी मुझे सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 1-2 मिनट और दम कर ले। तो बस 1-2 मिनट दम करने के बाद ये देखिए बहुत ही खिली खिली खिचड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार हो गई है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि साबुदाना को किस तरह से भिगोना है, उसका परफेक्ट तरीका, तो आप साबुदाना वड़ा की रेसिपी चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।